गुना में दलित परिवार पर की गई पुलिस की बर्बरता के विरोध में अब खरगोन जिले का अनुसूचित जाति जनजाति संगठन सड़कों पर उतरा और दलित परिवार को उचित मुआवजा राशि दिलाने के नाम पर ज्ञापन सौंपा है। इस दौरान संगठन अपनी मांग को लेकर नारेबाजी करते हुए जिला मुख्यालय पहुंचा और ज्ञापन के माध्यम से प्रशासन को अवगत कराया, जिस दौरान अनुसूचित जाति जनजाति के जिलाध्यक्ष ने मीडिया से खास चर्चा की और बताया कि 5 लाख की सहायता राशि प्रदान करने के साथ पीड़ित परिवार के एक सदस्य को शासकीय नौकरी दी जाए जिससे परिवार को आर्थिक लाभ मिल सके। खरगोन से अजय तिवारी की रिपोर्ट। ये गुना की जो घटना है वो जघन्य अपराध की श्रेणी में आता है। जिस प्रकार से बर्बरतापूर्वक पुलिसकर्मियों ने उन मासूम बच्चों पर लाठीचार्ज किया है उसकी जितने भी निंदा की जाए वो कम है। हम सरकार से ये मांग करते हैं कि आपने एसपी कलेक्टर प्रशासनिक अमले को वहाँ पर बदल दिया, पुलिसकर्मियों को आपने वहाँ से हटा दिया, लेकिन जो पीड़ित परिवार है उस पर जो बीती है, उसकी फसल जो है, उन्हें कर्ज लेकर वो फसल वहाँ बोई थी, उसका नुकसान हुआ। तो हम सभी संघ ये सरकार से मांग करते हैं कि पीड़ित परिवार को 5 लाख का मुआवजा दिया जाए एवं परिवार के एक सदस्य को शासकीय नौकरी दी जाए। क्या नाम आपका? प्रदीप कुमार करोंदिया, अजाक जिलाध्यक्ष खरगोन। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 News। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।